Now location code word for 01, that is we will use location of 0, okay, location of 0, that is 0001, 0010. So we will write 001 and remaining one is as it is. Okay? Similarly 00, this 0 is as it is, and remaining, that is the 0, again the location of 0 is 0010, so we will write 0010 and remaining 0 is will be as it is. Okay? Now अभी जीरो एज इट इज है, एल एस बी वाला जीरो, द एल एस बी जीरो जीरो एट द एल एस बी एज इट इज, एंड लोकेशन ऑफ 10, सो यू कैन सी लोकेशन ऑफ 10 इज 0011, सो वी विल राइट 0011. ठीक है, नाउ 1 विल बी एज इट इज एंड लोकेशन ऑफ 11, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ 11, इट इज 0100, सो 0100. ठीक है, देन 0, ठीक है, 0 विल बी एज इट इज, नाउ लोकेशन ऑफ 01, तो 01 लोकेशन ऑफ 01 इज 0101, सो 0101. ठीक है, सिमिलरली 0, 0 विल बी एज इट इज एंड द लोकेशन ऑफ 100, सो 100 लोकेशन ऑफ 100 विल बी 00011 एंड 0 विल बी एज इट एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली लास्ट में जो रहेगा यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा, लोकेशन ऑफ 101, लोकेशन ऑफ 101 इज 110, सो 110 1110. ठीक है, इट इज नाउ लास्ट कॉलम इज जस्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोड वर्ड. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जो लास्ट में जो रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया है, ठीक है, तो जहां पर 1 रहेगा में 1 लिखेंगे और जहां पर 0 रहेगा वहां पे हम 2 लिखेंगे. ठीक है, तो पहले जो दो कोड वर्ड्स है विल बी एज इट इज, मतलब 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है तो 2. ठीक है, अभी बाकी जो रहेंगे, ठीक है, दैट इज यहाँ पर 0 है तो मैं यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे. ठीक है, एल एस बी वाला जो है, ठीक है, 1 है तो 1, 0 है तो 2, एंड रिमेनिंग विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट. ठीक है, दैट इज 0001 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1, 0001 अगेन डेसिमल इक्विवेलेंट इज 1, 0010 डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0010 इज 2. ठीक है, अगेन डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0010 इज 2, 0011 इज 3, ठीक है, 0100 इज 4, ठीक है, एंड सो ऑन, 1110 इज 14. ठीक है, और बाकी जो 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 है तो 2 लिखेंगे. ठीक है, दैट्स हाउ वी विल परफॉर्म द सोर्स कोडिंग यूजिंग एलजेड एल्गोरिथम. नाउ यू कैन ऑब्जर्व द कोड वर्ड इन द एलजेड एल्गोरिथम. ठीक है, यू कैन सी वी आर हैविंग इन द अवेलेबल सीक्वेंस वी आर हैविंग ओनली 44 बिट्स. ठीक है, सिर्फ वी आर हैविंग ओनली 44 बिट्स. ठीक है, एंड द आउटपुट द नंबर ऑफ बिट्स इन द कोड वर्ड, इफ यू काउंट दोज बिट्स, दैट इज 16 × 5 अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इट इज अराउंड 80. सो वी आर गेटिंग 80 बिट्स एट द आउटपुट. आउटपुट में हमको 80 बिट्स है और इनपुट में 44 बिट्स है. सो यू कैन यू से दैट कॉम्प्रेशन इज परफॉर्म, कॉम्प्रेशन परफॉर्म इट इज नॉट परफॉर्म बिकॉज इनपुट बिट्स आर लेस एज कम्पेयर टू द आउटपुट बिट्स. कंप्रेशन किसको बोलेंगे, वेन द इनपुट बिट आर मोर एंड आउटपुट बिट आर लेस, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्रेशन. सो यू कैन सी देर इज नो कंप्रेशन इन दिस एग्जाम्पल. ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमको कॉम्प्रेशन नहीं मिल रहा बिकॉज द अवेलेबल सिक्वेंस इज वेरी शॉर्ट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था. ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल सिक्वेंस जो रहेंगी वो थाउजेंड्स के फॉर्म में रहेंगी, थाउजेंड्स ऑफ बिट्स विल बी देयर. ठीक है, सो इफ यू अप्लाई द एलजेड एल्गोरिथम ऑन दोज थाउजेंड नंबर ऑफ बिट्स, यू विल श्योरली गेट द शॉर्टर नंबर ऑफ बिट्स एट द आउटपुट, दैट इज द कोड वर्ड्स. ठीक है, सो एट दैट टाइम वी विल हैव द कॉम्प्रेशन, सो इट इज द एलजेड एल्गोरिथम. सिमिलरली एट द रिसीवर साइड में जो रहेगा बिल्कुल वो जैसा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे वैसे ही वो रिसीवर वाला भी करना. ठीक है, सो अगेन इट विल यूज द लोकेशन एंड इट विल डिकोड द कोड वर्ड एंड सो ऑन. ठीक है, एट द रिसीवर साइड, ट्रांसमीटर साइड में एट द रिसीवर साइड इसका रिवर्स करेगा, मतलब जो भी बिट मिला उसको फिर लोकेशन के हिसाब से वो फ्रेज बनाएगा, फ्रेज से वो आपको बिट सीक्वेंस जो रहेंगे वो जनरेट करेंगे. नाउ इट इज द एलजेड एल्गोरिथम. नाउ द प्रॉब्लम यूजिंग द एलजेड एल्गोरिथम. ठीक है, नाउ सो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द क्वेश्चन इज गिवन द कंसीडर द बाइनरी सीक्वेंस 110100 एंड 100. यूज लैम्पल्स यू एल्गोरिदम टू इनकोड दिस सीक्वेंस, अज्यूम द बाइनरी सिंबल्स 1 0 and 1 आर ऑलरेडी इन द कोड लिस्ट. ठीक है, सो इट इज द यू कैन टेक द अज्यूमशन, उसने बोला यू कैन टेक द अज्यूम दैट 0 and 1, मतलब 0 1 हम यूज करना ही हमको. ठीक है, सो इन द एग्जाम्पल यू कैन सी द स्टार्टिंग बिट्स आर 111. ठीक है, लेकिन जब अभी हमने तो देखा, देखो डिक्शनरी कंटेंट क्या, पहला कंटेंट क्या 1 है, दूसरा 0 है. ठीक है, पहला कंटेंट 1 है, दूसरा कंटेंट 0 है. अगर मैं इसकी अगर एलजेड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली ही करना है, ठीक है,
अगर मैंने अभी इस तरह बताया, पहला बिट क्या बनेगा हमारा, वन बनेगा, दूसरा वन वन बनेगा. सो इट इज नॉट द फेयर, इट इज नॉट फेयर. ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू एलजेड एल्गोरिथम.